ठीक था, बट असाइनमेंट में मुझे जो चाहिए था वो सिर्फ इतना था, डिफरेंस बिटवीन, आपने काफी सारी एक्सप्लेन की हैं चीजें उसमें, वो मैं अभी आज समझाऊंगी. लास्ट टाइम बोला था कि इंडियन सिनेमा जो सब्जेक्ट है वो बहुत वास्ट है, तो विल कम्प्लीट इन द नेक्स्ट क्लास. सो कम्प्लीटली आई एम श्योर कि आज मैं इसको पूरा चैप्टर जो है वो कम्प्लीट कर लूंगी यूनिट. और इसके अलावा पैलर एंड कमर्शियल सिनेमा जो है उसको भी हम कवर करेंगे. तो आज थोड़ा सा लेट हो गया है डिसकनेक्शन की वजह से, बट आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट टू कम्प्लीट यू नो द यूनिट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि ओल्ड मीडिया एंड सिनेमा जो है और जो न्यू सिनेमा है उसमें क्या डिफरेंस होता है, किस तरह पुराने जमाने में फिल्में बनती थी, किस तरह आज के जमाने में फिल्में बनती हैं, बट हमारा जो इंडियन सिनेमा है वो स्टार्ट कैसे हुआ, हाउ इट स्टार्टेड यू नो. तो सबसे पहले जो सिनेमा है उसका एक कहते हैं ना कि आइडिया कैसे आया, और कैसे फिल्म जो इंडस्ट्री है वो आज इतनी ज्यादा डेवलप हुई. तो सबसे पहले आइडिया कैसे आया, किसी को आइडिया तो आई एम श्योर नहीं होगा क्योंकि किसी ने पढ़ा भी नहीं होगा एक हफ्ता इसके बारे में. कुछ पढ़ा है इंडियन सिनेमा के बारे में, किसी ने नहीं पढ़ा होगा, एनीबडी? सचिन बोलो क्या पढ़ा? पहले कोई फॉरेनर था जिन्होंने पहले उस मूवी बनाया था मुंबई में आकर के, दो भाई थे, उनसे आइडिया That's लिया गया correct. था सर। मैम नहीं हाँ ठीक है, पढ़ा था। ग्रेट, गुड ट्राई. ठीक है, अच्छी अच्छा आंसर दिया है. बेसिकली लुमियर ब्रदर्स थे जो कि कह सकते हो कि ब्रिटिश इरा जो था उस टाइम पे, लुमियर इनर्स जो ब्रदर्स थे उन्होंने ये एक कह सकते हो कि एक इनोवेशन को, आपने आइडिया को एक इन्वेंशन दिया उस वक्त. ठीक है, उन दो भाई लोग भाइयों ने मिलकर एक ऐसी नींव रखी जिसपे आज फिल्म इंडस्ट्री पूरी खड़ी है. पहले जब उस ब्रिटिश इरा में जो कह सकते हो कि थीम्स जो उठाई जाती थी, जो स्टार्टिंग हुई वो रामलीला से हुई, नाटक से हुई. फिल्मों को एकदम से फिल्में बननी नहीं शुरू हुई थी, सबसे पहले नाटक बनते थे, उससे पहले रामलीला होती थी. आई एम श्योर कि काफी सारे बच्चे जो हैं वो जानते होंगे, रामलीला देखते होंगे, या फिर प्ले जो होते थे वो किस तरह से होते थे उसके बारे में आपको जानकारी होगी. तो नाटक और प्ले के थ्रू जो इंस्पायर हुई उसके बाद फिल्म जो है इंडस्ट्री डेवलप होने लगी. मैं चाहूंगी कि एवरीबॉडी प्लीज कीप यू नो पेन एंड पेपर हैंडी, सो दैट जो जो चीजें मैं एक्सप्लेन करती जाऊं वो आप लिखते जाना पॉइंट टू पॉइंट, वन बाय वन, बिकॉज ये थोड़ा वास्ट है. इसमें थोड़े ईयर्स आएंगे, थोड़ा सा नाम आएंगे लोगों के, फिल्म के नाम आएंगे, तो आपको मतलब एग्जाम के टाइम पे कुछ याद रहे. मैं चाहती हूँ कि कुछ याद रहे, उसके लिए आप वन वन लाइनर नोट डाउन करते रहना. मैं सिर्फ बोलूंगी, ठीक है, लास्ट टाइम की तरह डिक्टेट नहीं करूंगी कुछ भी. सो द बेसिक थिंग इज द डॉन ऑफ सिनेमा इन इंडिया वर यू नो विटनेस टू द ग्रोथ ऑफ म्यूजिकल ड्रामा. उस टाइम पे जो ड्रामास होते थे वो म्यूजिकल होते थे, जिसमें आप कह सकते हो हारमोनियम का इस्तेमाल होता था, पियानो का इस्तेमाल होता था. जितने भी पुराने ड्रामास रामलीला होती थी उसमें डायलॉग के साथ एक प्लेबैक जो दिया जाता था वो हारमोनियम एंड देन पियानो से दिया जाता था. तो ये एक तरह से एक कह सकते हो कि आइडिया था फिल्म इंडस्ट्री को, जो आज की जो फिल्म इंडस्ट्री है उस वक्त कैसे आइडियाज निकले, इस आइडिया जो निकले वो इसके थ्रू निकले, मतलब ड्रामास के थ्रू. ठीक है, सो फर्स्ट सिनेमाटोग्राफिक जो एग्जीबिशन है वो ल्यूमियर ब्रदर्स ने ही लगाई थी मुंबई में. सिनेमाटोग्राफी क्या होती है? सिनेमाटोग्राफी होती है कि जब आप किसी फिल्म को शूट करते हैं तो आप कैसे शूट करते हैं, आप कैमरा में किस तरह के कैमरा एंगल्स को लेते हैं, जैसे पैन एंगल हो गया, आप स्टैटिक शॉट्स लेते हैं, आप क्लोज शॉट्स लेते हैं, ये सब जो चीजें होती हैं ये सिनेमाटोग्राफिक में आती है. और सिनेमाटोग्राफिक एग्जीबिशन जो सबसे पहले बॉम्बे में लगी थी, मुंबई अब बोला जाता है पहले बॉम्बे बोला जाता था, उसमें ल्यूमियर ब्रदर्स ने लगाई थी, और वो लगाई थी 7 जुलाई 1896. आप लिख लो प्लीज, द फर्स्ट सिनेमाटोग्राफिक एग्जीबिशन ऑफ ल्यूमियर ब्रदर्स वर हेल्ड इन मुंबई ऑन जुलाई 7, 1896. एंड सबसे इंटरेस्टिंग चीज ये थी कि ये एग्जीबिशन इंडिया में फर्स्ट टाइम लगी थी, तो एवरीबॉडी वो यू नो दैट टाइम वाज लाइक सो एक्साइटेड टू सी कि ये जो एक डिफरेंट आइडियाज जो इनोवेशन हुई है उसको देखने के लिए. तो हर हफ्ते जो है चार शो इस एग्जीबिशन के लगाए जाते थे, और ये एग्जीबिशन पूरे 2 महीने चली थी. तो इस एग्जीबिशन को देखने के लिए इंडियन जो हमारे बहुत पुराने जो लोग होते थे वो जाते थे, जो कि इसी इंडस्ट्री या कि ड्रामा इंडस्ट्री से जुड़े हुए थे, वो इस एग्जीबिशन को देखने जाते थे. और काफी लोगों को जब ब्रिटिश सिनेमेटोग्राफी की एग्जीबिशन को देखा तो वहां से इन लोगों ने इंस्पिरेशन लिया. इंस्पिरेशन लेने के बाद कहते हैं कि जो मतलब हमारा जो लिटरेचर है इंडियन सिनेमा पे जो लिखा गया उसमें कहा गया कि जगमोहन जो है
वो इंडियन डॉक्यूमेंट्री के हिस्टोरियन माने जाते हैं, मतलब उन्हें कहा जाता है कि वो एक ऐसे शख्स थे जिन्होंने डॉक्यूमेंट्री को पूरा एक कह सकते हो कि एक आइडिया दिया, लेकिन फिर लिखा हुआ है कि उनको कहा जाता है, लेकिन जो बेसिकली क्रेडिट जो जाता है वो है भट्ट, लिख रहे हैं ना आप लोग आई एम श्योर, भटवेक को लिख रहे हैं सब लोग, रेज हैंड, जस्ट रेज हैंड, ठीक है। तो बेसिकली जो इंडियन फैक्चुअल फिल्म है उनके जो फादर हैं वो है भटवाडकर, भटवाडकर, BHATVADEKAR, भटवाडकर, ठीक है। ये जो है फादर ऑफ इंडियन फैक्चुअल फिल्म्स, फैक्चुअल फिल्म्स यानी कि जो आपके फैक्ट्स पे बनी हुई फिल्म होती थी उनके फादर कहलाते थे, इन्होंने स्टार्टिंग किया था, ठीक है। इनका भट्ट के बाद क्या था, भटवाडकर, BHATWADEKAR। सो बेसिकली भटवाडकर वॉज द फादर ऑफ इंडियन फैक्चुअल फिल्म, ठीक है। एंड इनका जो सबसे पहला शॉर्ट फिल्म जो बना था वो था कोकोनट, कोकोनट फेयर, कोकोनट फेयर इनका जो पहला फिल्म था, ठीक है। और उस टाइम पे जब ये एग्जीबिशन लगा था 96 में जो ल्यूमर ब्रदर्स ने लगाया था, तो वहां पे जब लोग जाते थे एग्जीबिशन को देखने के लिए तो बहुत सारे ऐसे लोग भी थे जो कैमरा पर्सन होते थे जो उस एग्जीबिशन को उस वक्त में देखने के जाते थे। तो जो फर्स्ट रूरल ट्रैवलिंग सिनेमा है वो बेसिकली हमारे जो इंडिया में स्टार्ट हुई वो 20s में स्टार्ट हुई, ठीक है। सो द फर्स्ट रूरल ट्रैवलिंग सिनेमा हैड बीन ऑपरेटिंग बाय द एंड ऑफ 20s। रूरल ट्रैवलिंग का क्या अर्थ होगा, कोई बता सकता है? गाइस एम आई क्लियर अभी तक जितना समझाया? Yes, no, no, yes. Any response from anybody? Yes, ma'am. Yes, ma'am. पूछ लूँ किसी से भी अभी? खुशबू, खुशबू अभी क्या समझाया मैंने? खुशबू ऑडियो आपको अनम्यूट करना होगा बच्चे। मैम आपने बताया कि जो लुमिनेयर ब्रदर्स थे उन्होंने फर्स्ट एग्जीबिशन लगाई थी 7 जुलाई 1896 में, और जगमोहन जी जो थे उन्हें इंडियन डॉक्यूमेंट्री का हिस्टोरियन बोला जाता था, लेकिन इंडियन फैक्चुअल फिल्म जो सबसे पहले बनाई थी उसके फादर जो थे वो थे भटवाडकर, और उनकी फर्स्ट फिल्म जो थी वो थी कोकोनट फेयर फर्स्ट फिल्म, ठीक है। और फिर आपने बताया कि एंड ऑफ 20s में रूरल ट्रेवलिंग स्टार्ट हुई, ठीक है, गुड। सबको समझ आ गया यहाँ तक? एवरीबॉडी इज क्लियर टिल दिस पॉइंट, ठीक है। सचिन कुछ पूछना है आपको? बस यस बोल रहा था। अच्छा ठीक है, ओके डन, ठीक है। अब हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं, सो लिखते जाना प्लीज। हाँ, 18th May 1912, ठीक है, 18th of May 1912, आरजी टॉर्नी, RG.TORNEY टॉर्ने, ठीक है। इन्होंने सबसे पहले एक मराठी स्टेज प्ले किया था, ठीक है, उसका नाम था पुंडालिक, PUNDALIK, ठीक है। ये जो स्क्रीन जब स्टेज प्ले किया गया था, बेसिकली ये फर्स्ट फिल्म्ड प्ले था, यानी कि एक ऐसी फिल्म प्ले जिसको फर्स्ट प्ले था जिसको कैमरे से शूट किया गया था, ठीक है। ऑन May 18th, 1912 आरजी टॉर्ने फिल्म्ड अ मराठी स्टेज प्ले, ठीक है, पुंडालिक, PUNDALIK, पुंडालिक, ठीक है। एंड इट वॉज फर्स्ट फिल्म्ड प्ले जिसमें कैमरा का इस्तेमाल हुआ था। टिल दिस पॉइंट एवरीबॉडी इज क्लियर? इन्होंने शूट किया था मैम आरजी बाबा, आर फॉर रोमियो, जी फॉर गर्ल, टॉर्ने, TORNEY, ओके मैम, ठीक है। अब हम आते हैं उसकी आगे की जो आगे मतलब उसके बाद हुआ, जब इन्होंने ये कैमरा से शूट किया तो उसके बाद फिल्म इंडस्ट्री में सिनेमेटोग्राफी जो है शुरुआत हुई, ठीक है।
शुरुआत किस तरह से हुई, उसके बाद जो लुमियर ब्रदर्स थे कैमरा से पहले फिर मूवी कैसे शूट होती थी क्या? नहीं नहीं, सिनेमेटोग्राफी की बात कर रही हूँ, सिनेमेटोग्राफी सिनेमेटोग्राफी आई एम टॉकिंग सिनेमेटोग्राफी। सिनेमेटोग्राफी क्या होती है, देखो मेरे पास कैमरा है, मैंने यहाँ पे स्टैटिक एक एंगल बना लिया, दिस इज जस्ट कैमरा, ठीक है, जो कि आपका कैमरा से फिल्म शूट कर रहा है। सिनेमेटोग्राफी होती है जब उसमें कैमरा में आप डिफरेंट एंगल से शूट करते हो। फॉर इंस्टेंस आपने मेरा क्लोज शॉट बनाया, आपने मेरा पैन शॉट बनाया, ठीक है, आपने ट्रैकिंग का इस्तेमाल किया फिल्म बनाते हुए। अभी जब आप फिल्म देखते हो आपने देखा होगा बहुत ही वैरायटी ऑफ शॉट्स आपको दिखाई देते होंगे जिसमें एक्टर अगर ऐसे खड़ा है तो कैमरा ऐसे पूरा रोल कर जाता है, ठीक है, दैट इज कॉल्ड ट्रैकिंग शॉट्स, ठीक है। पैन शॉट्स क्या होता है, एक बंदा अगर मैं यहाँ पे मेरा ऑब्जेक्ट ये है और मैं यहाँ से अगर दूर जा रही हूँ तो ये पैन हो गया। जूम शॉट्स, ठीक है, ये सारे जो शॉट्स होते थे ये होते थे सिनेमेटोग्राफी। पहले फिल्में जो बनती थी वो स्टैटिक बनती थी, बिल्कुल स्ट्रेट, आपने जैसे अभी कैमरा रखा हुआ है बस इस तरह से एक फिक्स्ड फ्रेम बना दिया और उसके बाद वो शूट हो रहा है और उसको अलग अलग तरीके से एडिट करके प्रेजेंट किया जाता था। डिड यू गेट इट? सिनेमेटोग्राफी क्या होती है, सिनेमेटोग्राफी ये होती है जिसमें आप डिफरेंट तरह के एंगल्स को इस्तेमाल करते हैं शूट करते वक्त, ठीक है, कैमरा के थ्रू, ठीक है। आद्या, ठीक है आद्या, ओके। सो बेसिकली जब लुमियर ब्रदर्स का टाइम था उसी टाइम पे जब उन्होंने सिनेमेटोग्राफी को जैसे डिस्कवर किया, बेसिकली उन्होंने इन्वेंट किया, उन्होंने अलग अलग एंगल्स को डिस्कवर किया, उसी वक्त पे एक फ्रेंच मैजिशियन होते थे जो कि उस वक्त में आई एम श्योर जैसे आप लोग देखते हो सर्कस होता था हमारे जमाने में, उसी तरह से मैजिशियंस जो थे वो कुछ शोज करते थे। उनका नाम था जॉर्ज मैलिस। बेसिकली जो वो शो करते थे उसमें वो बहुत क्रिएटिव रहते थे, उन शोज में को बनाने के लिए वो बहुत सारी अलग अलग तरह की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते थे। तो लुमियर ब्रदर एंड देन द मैजिशियन, द फ्रेंच मैजिशियन जॉर्ज, आप लिख सकते हो इसे फ्रेंच मैजिशियन जॉर्ज, GEORGES, जॉर्ज मैलिस, MELIES, MELIES, बेसिकली ही वॉज द वन हु यू नो रिवोलाइज द सिनेमा, जिसमें उन्होंने पूरा एक फैंटेसीज को लेके आए, ड्रीम्स को लेकर आए, क्योंकि वो जब अपना मैजिशियन के तौर पे जब वो काम करते थे तो वो बहुत ही आप कह सकते हो जिसमें ड्रीम्स होती है। आप एक मैजिशियन क्या करता है, आपको जादू नगरी में ले जाता है, ठीक है, आपको ऐसी चीजें दिखाता है जो शायद आपने कभी सोची भी ना हो या ड्रीम्स में हो। तो वो जो चीजें हैं यानी कि जो ड्रीम्स हैं, जो फैंटेसी है, उस पार्ट को लेकर आए फिल्म इंडस्ट्री के उसमें, बेसिकली सिनेमा में, मैजिशियन जॉर्ज मैलिस, ठीक है। इतना समझ आ गया? एवरीबडी रेज हैंड, हैंड रेज कर दो बस, ठीक है। आयुष, आपको समझ आ गया? ठीक है, अब हम आते हैं एवोल्यूशन ऑफ फिल्म लैंग्वेज। ये एक आप कह लो अलग, इट्स अ काइंड ऑफ हेडर, आप अपना जो भी नोट्स बना रहे हो उसमें लिख लो हेडर में एवोल्यूशन ऑफ फिल्म लैंग्वेज। ठीक है, अच्छा, एवोल्यूशन ऑफ फिल्म लैंग्वेज क्या होता था? सिनेमा जो है वाज अ सिंपल मीन ऑफ मैकेनिकल रिकॉर्डिंग, मतलब उस टाइम पे क्या होता था, प्ले हो रहा है, प्ले में आप कैमरा के थ्रू आप उसको शूट कर रहे हैं, उसके बाद वहां पे विजुअल्स चल रहा है, जो भी चीजें हो रही हैं पीछे बैकड्रॉप में म्यूजिक चल रहा है पियानो के थ्रू या फिर हारमोनियम के थ्रू। लेकिन उसमें नरेशंस कैसी होती थी, नरेशंस तो उस वक्त थी नहीं क्योंकि पहले साइलेंट मूवीज होती थी स्टार्टिंग में, जब हमारा सिनेमा जब बिल्कुल इनिशियल स्टेज पे था तब बिल्कुल साइलेंट मूवी थी। तो नरेशंस का कैसे, नरेशंस कैसे आई, कैसे डायलॉग्स आए, कैसे अभी जो फिल्म्स आती है उसमें आप डायलॉग्स जो सुनते हो वो कैसे उनका उनका इन्वेंशन हुआ, वो है बेसिकली फिल्म का जो कह सकते हो कि फिल्म लैंग्वेज का जो एवोल्यूशन है वो हुआ कि जब साइलेंट मूवीज बनती थी उसके नीचे आप देखते होगे अभी भी इंग्लिश मूवीज कई ऐसी होती है जिनके नीचे सबटाइटल्स दिए जाते हैं, राइट? तो उस टाइम पे जब साइलेंट मूवीज जो भी बनती थी उनके नीचे लैंग्वेज का सबटाइटल होता था, यानी अगर इंग्लिश मूवी है अगर मैं कोई डायलॉग बोल रही हूँ तो मेरा डायलॉग नीचे लिखा हुआ आता था, और अगर कोई दूसरा इंसान बोल रहा है तो उसका डायलॉग लिखा हुआ आता था। सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज ही नहीं, इसके अलावा दो तीन और लैंग्वेजेस थी जिसमें लिखा जाता था और साइलेंट मूवीज में भी दिखाया जाता था, जो भी मतलब ऑडियंस था उनके सामने दिखाया जाता था। सो बेसिकली मैलिस जो है उन्होंने
लैंग्वेज तो इस तरह से हमारा जो है साइलेंट मूवीज में डिस्कवर हुई. मैलिस ने जो हमारी टेक्निक है, जो हमारी टेक्नोलॉजी है, उसको बहुत एडवांस किया, क्योंकि वो एक मैजिशियन थे एंड ही वाज वेरी यू नो वेरी गुड कैमरामैन. वो मतलब बहुत अच्छा काम करने वाले जानकार थे. तो उन्होंने डबल एक्सपोजर, आई एम श्योर कि आप में से काफी लोग जानते होंगे डबल एक्सपोजर क्या होता है सिनेमा में. फोटो खींचते हो तो डबल एक्सपोजर पे कभी क्लिक किया है फोटो? डबल एक्सपोजर हो गया, मल्टीपल एक्सपोजर्स कभी आपने देखा है? कोई स्टिल इमेज ऐसी हो जो डबल एक्सपोजर पे हो, किसी ने देखी है? नहीं मैम. एनीबडी? सॉरी, नहीं समझ में आया. नहीं देखी. देखो डबल एक्सपोजर क्या होता है, टेक्निक है बेसिकली, ये टेक्नोलॉजी है जो कि इस्तेमाल की जाती थी सिनेमा को शूट करने में. ठीक है, अब जैसे डबल टेक्नोलॉजी, डबल एक्सपोजर क्या होता है, जब आप एक स्टिल इमेज में दो पिक्चर्स को एक साथ देखते हो. ठीक है, आप डबल एक्सपोजर कभी गूगल करना, आपको समझ आएगा मैं अभी जो समझा रही हूँ उसका क्या मतलब है. डबल एक्सपोजर एक स्टिल इमेज है, फॉर इंस्टेंस मैं खड़ी हूँ, ठीक है, लेकिन मेरे पीछे बैकग्राउंड में आपको मेरी शेडो के पीछे में एक ट्री भी दिख रहा है, तो ये हो गया डबल एक्सपोजर, ये डबल एक्सपोजर विजुअल हो गया. तो वो जो टेक्नोलॉजी है फिल्म इंडस्ट्री में वो लेके आए, डबल एक्सपोजर लेकर आए. उसके अलावा मल्टीपल एक्सपोजर्स को उन्होंने इन्वेंट किया. बैकड्रॉप, बैकड्रॉप क्या होता है, जब आप किसी भी स्टोरी के, जब वैसे फॉर इंस्टेंस मैं अभी हूँ यहाँ पे हूँ, मेरे पीछे कोई बैकड्रॉप है, यानी कि जो भी मेरे पीछे बैकड्रॉप है, वो बैकड्रॉप जो है वो उन्होंने इन्वेंट किया. किसने इन्वेंट किया? जो फ्रेंच थे, जॉर्ज मैलिस, उन्होंने इन्वेंट किया. ठीक है, सो बेसिकली जो मैलिस का आप रोल अगर इस फिल्म इंडस्ट्री के बारे में बात करें, तो ल्यूमियर, ल्यूमियर ब्रदर एंड मैलिस जो है, इन दोनों का रोल जो स्टार्टिंग एंड इनिशियल स्टेज ऑफ सिनेमा थी उसमें बहुत अहम है. अगर इन दोनों ने कुछ चीजें ना की होती, जैसे इन्वेंट ना किया होता ट्रैकिंग शॉट्स, क्लोज पैन शॉट्स, ये सब ना होता, तो शायद हो सकता है कि वो टेक्नोलॉजी हम लोगों को जो उस वक्त मिली उसको मिलने में थोड़ा और टाइम लग जाता. ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया? Am I clear to everybody? Yes, no, no, yes. Sony? Yes, ma'am. Did you get it? Yes, no, no, yes. What? Yes, Sony? Yes, ma'am. आपको समझ आ गया? Yes, ma'am. कोई confusion अभी तक? ठीक है, तो अब हम शुरू कर रहे हैं पायनियर ऑफ इंडियन सिनेमा. ये भी एक हेडर है, आप लिख लो पायनियर ऑफ इंडियन सिनेमा. इंडियन सिनेमा के पायनियर कौन थे? ये तो मैंने वैसे लास्ट क्लास में ही आपको सबको बताया था. कौन थे, याद है किसी को? दादा साहेब फाल्के. कूल, एटलीस्ट किसी ने तो बोला. किसने बोला? मैंने मैम. एक ही बच्चे की आवाज आई मुझे, किसी ने नहीं बोला. शब्द हमारे थे, आवाज उसकी थी. गुड, ठीक, अच्छा है वैसे. चलो ठीक है, दादा साहब फाल्के जो है वो पायनियर थे, क्योंकि उन्होंने फर्स्ट साइलेंट मूवी बनाई थी. एंड उस फिल्म का नाम क्या था, क्या नाम था भाई बताओ? राजा हरिश्चंद्र. ठीक है, सो बेसिकली राजा हरिश्चंद्र बनाने के पीछे भी एक बहुत लंबी स्टोरी है. जब जो बेसिकली दादा साहब फाल्के थे वो बहुत आप कह सकते हो कि यू नो क्रिएटिव इंसान थे. ठीक है, बहुत ही क्रिएटिव. तो कहा जाता है कि उन्होंने एक फिल्म देखी लाइफ ऑफ क्राइस्ट पे, यानी जब जो ब्रिटिश इरा था उसमें एक फिल्म ऐसी आई जो क्राइस्ट पे बनी हुई थी. तो उन्होंने जब वो फिल्म देखी तो वो भगवान कृष्ण पे एक फिल्म बनाना चाहते थे, लेकिन उस वक्त क्योंकि पैसे और फाइनेंशियल जो क्रंचेस होते थे वो बहुत ज्यादा होते थे, लोग इतनी आसानी से पैसा नहीं देते थे, और फिल्म जो प्रोड्यूसर्स थे वो पैसा लगाते नहीं थे. तो उनको जो उनका एक आइडिया था कि भगवान कृष्ण पर, यानी कि पहले जो माइथोलॉजिकल कैरेक्टर्स होते थे उन पे फिल्में बनती थी, तो उनका जो आइडिया था कि कृष्ण पर मैं फिल्म बनाऊंगा वो उन्होंने ड्रॉप कर दिया, क्योंकि उनको पैसा नहीं मिला और उनके पास फाइनेंस नहीं था. तो उसके बाद फिर जब फाइनली वो ड्रॉप होने के बाद उनको शायद 2 या 3 साल लगे, जब उन्होंने फर्स्ट साइलेंट मूवी बनाई जिसके लिए उन्हें प्रोड्यूसर भी मिला. और जो फिल्म थी राजा हरिश्चंद्र वो एक अभी का जमाने में जैसे बोला जाता है ना ब्लॉकबास्टर मूवी, वैसी उस वक्त में ब्लॉकबास्टर मूवी थी ये फिल्म.
सो बेसिकली उन्होंने अपने पूरे करियर में यस प्रोड्यूसर कौन थे प्रोड्यूसर कौन थे राजा हरिश्चंद का वही सब थे वही डायरेक्टर प्रोड्यूसर सब वही उनको पैसा जो होता था लोन मिलता था पहले बैंक से लोन मिलते थे पहले ऐसे प्रोड्यूसर नहीं होते थे कि मैं अगर प्रोड्यूसर हूं तो मैं आपको प्रोड्यूस कर दूंगा पहले आप अपनी फिल्म बनाना चाहते तो यू आर द एवरीथिंग लाइक यू आर द प्रोड्यूसर यू आर द राइटर यू आर द डायरेक्टर और आप ही खुद कई बार ऐसा भी होता था कि खुद ही एक्टिंग के लिए आपको पहले की फिल्मों में आपको पता है फर्स्ट जो सिनेमा जब बना था तो इवन जो ये साइलेंट मूवी है इसमें एक मेल को एज अ फीमेल प्रेजेंट किया गया था क्योंकि उस वक्त फीमेल को एज अ कैरेक्टर या यू नो टेली का आप एक्ट नहीं करवा सकते थे उस दौर में अलाउड नहीं था या लोग नहीं करते थे फिल्मों में काम खासतौर पर महिलाओं के लिए मुश्किल था तो उस टाइम पे मर्द को एक ऐसे मेल को कैरेक्टर को फीमेल कैरेक्टर बना के प्रेजेंट किया गया था फिल्म में तो वहां पे प्रोड्यूसर्स उस वक्त नहीं होते थे उस वक्त बैंक से लोन लेकर आप फिल्म को प्रोड्यूस करते थे ये वाला जो पार्ट है ना जो फाइनेंशियल वाला है ये भी हम कवर करेंगे आगे किस तरह से फिल्म्स को प्रोड्यूस किया जाता था या फिल्म को पैसा कैसे मिलता था ठीक है सो बेसिकली उन्होंने अपने जो टाइम है मतलब अपना जो करियर था उसमें 96 फुल लेंथ फीचर फिल्म्स को बनाया था जो दादा साहब फाल्के थे उन्होंने 96 फुल फीचर फिल्म्स को बनाया था ठीक है एंड 26 शॉर्ट्स फिल्म को बनाया था शॉर्ट इन द सेंस जो जिनका ड्यूरेशन बहुत कम होता है जैसे 10 मिनट का फिल्म हो गया इस तरह की जो फिल्म्स होती थी वो शॉर्ट फिल्म कहलाती थी और जो मेल कैरेक्टर उन्होंने सबसे पहले अपनी फिल्म में एज अ फीमेल लीड के लिए चुना था उसका नाम था ए सालुंके वॉज अ यंग मैन हु प्लेड द वुमेन इन हिज फिल्म ए सालुंके ए डॉट सालुंके एस ए एल यू एन के ई He was the first man who played the woman character in his film. Anna Saluke थी ना मैम अगर Sorry हाँ Anna Saluke मैम I think A Saluke yes 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 correct कौन बोल रहा है मुझे actually एक साथ सब लोग नहीं दिख रहे हो नाम बताओ मैम मैम शिवम कौन अच्छा शिवम तो उसके बाद जो कहा जाता है दादा साहब फाल्के के बारे में वो ये कहा जाता है कि वो स्पेशल इफेक्ट के जीनियस थे यानी उन्हें स्पेशल इफेक्ट के लिए माना जाता है कि बहुत अच्छी नॉलेज थी बहुत ही अच्छी नॉलेज तो शायद यही वजह है कि उन्होंने जो अपनी फिल्में आगे बनाई उसमें उन्होंने वो सब चीजें इस्तेमाल की दीपांशु हाय आई जस्ट सॉ यू गुड मॉर्निंग यू तुम स्पाइडरमैन बन के बैठे हो सुपरमैन टी शर्ट यस मैं अभी जस्ट स्क्रॉल डाउन कर रही हूँ एंड आई जस्ट शो यू आई सेड ये कौन है दीपांशु कुमार ओके कूल अच्छा आप एकदम से फिल्म का क्लास लेने के लिए फिल्म का ड्रेस पहन के आए हो हाँ बॉलीवुड मूवी कोइंसिडेंस चलो ठीक है कैरी ऑन करेंगे Okay. उसके बाद अच्छा ऑडियो अपना प्लीज म्यूट कर लीजिए हाँ सो इन 1970 मैम कुछ पूछना था जो ये आपने नाम बताया जी मैं हिमांशु से बोल रहा हूँ ये पूछना था कि जो आपने नाम बताया ए सालुंके ये फर्स्ट वुमेन कैरेक्टर था फिल्म में फर्स्ट वुमेन कैरेक्टर नहीं था ये ही वाज मैन ठीक है हु प्लेड अ वुमेन कैरेक्टर इन द फिल्म मतलब वो एक फीमेल कैरेक्टर को प्ले करने वाले प्ले किया था उन्होंने फीमेल कैरेक्टर उस जमाने में फीमेल कैरेक्टर्स नहीं होते थे औरत एक्टिंग नहीं करती थी उस वक्त ठीक है तो ही वाज अ यंग मैन हु प्लेड द वुमेन इन द फिल्म मैम इन्होंने जो राजा हरिश्चंद्र मूवी में ही प्ले किया था ना उनको लिया गया है एज अ फीमेल लीड नॉट एज अ मेल ठीक है एज अ फीमेल लीड दिया गया करें आगे कैरी ऑन मैम स्पेशल इफेक्ट्स क्या होते हैं
वो भी बताएंगे आगे, ये सब्जेक्ट भी आएगा स्पेशल इफेक्ट्स वाला। ठीक है, जो राजा हरिश्चंद्र मूवी थी इसमें स्टोरी मतलब राजा हरिश्चंद्र के को लेकर नहीं, अभी देखो मैं स्टोरी नहीं बताऊंगी यहाँ पे बैठ के, क्योंकि मेरे को ये कवर करने दो, उसके बाद जब टाइम बचेगा देन आई टीच दिस वन। ठीक है, स्टोरी, क्योंकि मैं अभी फिल्म की स्टोरी बताने लगी तो फिर बहुत लंबा हो जाएगा ये। वैसे बेसिकली मैं आपको ये बता देती हूँ, ये एक प्ले पे कैरेक्टर था, एक प्ले था जिसके ऊपर इस फिल्म को बनाया गया था। उस जमाने में जितनी भी इंस्पिरेशन ली जाती थी, मतलब जो भी फिल्म बनती थी, वो या तो माइथोलॉजिकल बेस्ड होती थी, कैरेक्टर्स बेस्ड, जैसे श्री कृष्ण हो गए, राम हो गए, इस तरह के कैरेक्टर्स को, रावण हो गए, इस तरह के कैरेक्टर्स को उठा के बनाया जाता था, या फिर जितने भी प्लेज होते थे, जो थिएटर आर्टिस्ट होते थे जो प्लेज करते थे, उनकी स्टोरी को पिक करके वो फिल्म्स को बनाया जाता था। सो दिस फिल्म वॉज बेस्ड ऑन प्ले। ठीक है, ये मतलब कैरेक्टर जितने भी थे, ये मतलब जो भी फिल्म थी वो प्ले पे बेस्ड थी। एक जो स्टोरी थी, जो डायलॉग राइटिंग किया गया, वो एक प्ले को, जो थिएटर में प्ले होता है उसको ऊपर फिल्म बनी थी बेसिकली। ठीक है, अब मैं आगे कंटिन्यू कर रही हूँ। अब लिख लो प्लीज, 1970 में, इन 1970 आर नटराजा ही वॉज अ बेसिकली अ बिजनेसमैन। ठीक है, बट वो बहुत ही ट्रेंड सिनेमाटोग्राफर थे। आर नटराजा, उन्होंने अपनी एक खुद की फिल्म इंडस्ट्री, मतलब फिल्म कंपनी को बेसिकली कह सकते हो कि खोला उस वक्त में, मतलब जिस वक्त में लोगों के पास पैसा नहीं होता था, लोगों के पास क्राइसिस रहते थे, मतलब इतना ज्यादा टेक्नोलॉजी एडवांस नहीं थी, लेकिन उस वक्त ही वॉज वेरी कह सकते हो कि वेरी ट्रेन्ड एंड वेरी जेन्युइन सिनेमाटोग्राफर, जिन्होंने, जो एक अच्छे बिजनेसमैन थे जिनके पास पैसा भी था, वो साउथ में रहते थे। एंड आर नटराजा जो है, ही वॉज द फर्स्ट वन हु बेसिकली ओपन्ड हिज या सेट अप हिज ओन फिल्म कंपनी। ठीक है, और उन्होंने 6 साइलेंट फिल्म्स बनाई थी, और ज्यादातर जितनी भी फिल्में बनी थी वो माइथोलॉजिकल कैरेक्टर्स पे ही बनी थी। 6 उन्होंने अपने बैनर के थ्रू बनाई थी। अब ड्यूरिंग द साइलेंट इरा, जो साइलेंट इरा था वो कब से कब तक चला, 1896 से लेकर 1930 तक, 1896 से लेकर 1930 तक साइलेंट इरा था, मतलब जो मूवीज थी वो साइलेंट थी, साइलेंट मूवीज बन रही थी विद द ट्रांसक्रिप्शन जो नीचे आता है। 1896 से लेकर 1930, दिस वॉज द टाइम वेन ऑल द मूवीज वर मेड इन अ साइलेंट वे, मतलब साइलेंट इरा था, उसे साइलेंट इरा कहा जाता है। एंड इसमें कम से कम 1000 मूवी जो है वो बनी थी, 1000 मूवी बनी थी जो कि साइलेंट थी। जो ये आपने मूवीज बताई है 1896 से 1930 तक जितनी भी मूवीज बनती थी वो साइलेंट बनती थी, तो वो ओवरऑल पूरे वर्ल्ड का बता रहे हो या फिर मतलब इंडिया का? इंडिया बाबा, इंडिया, आई एम डिस्कसिंग इंडियन सिनेमा, ओनली इंडियन। अच्छा मैम, इंडिया में तो 1930 में फर्स्ट फिल्म आई थी, तो फिर 1896 से हम क्यों काउंट कर रहे हैं? क्या कह रहे हो आप? मैं ये बोल रही हूँ, इंडिया में फर्स्ट मूवी 1913 में आई थी, और हमने जो ये साइलेंट एरा बोला है, हमने ये 1896 से 1930 तक बोला है, सो व्हाई? बेसिकली 1896 से हम ल्यूमियर ब्रदर्स कब आए, अभी मैंने जो आपको बताया, ल्यूमियर ब्रदर व्हेन ही इन्वेंटेड द सिनेमेटोग्राफी एंड व्हेन ही इन्वेंटेड ऑल द थिंग्स, बताओ। अभी तो जस्ट बताया मैंने, कोई जिस किसने सवाल पूछा मेरे को, नाम बताओ पहले। मैम प्रज्ञा। हाँ प्रज्ञा बताओ ना, कहाँ हो? मैम आपने सारी मूवीज की बात की, उन्होंने तो सिर्फ एग्जीबिशन करा था ना, सिनेमेटोग्राफी किसने डेवलप किया था प्रज्ञा? ओके। I said कि जो ल्यूमियर ब्रदर्स थे एंड जो जॉर्ज थे, ये जो लोग थे, इन्होंने हमारी जो फिल्म इंडस्ट्री आज है उसकी नींव रखी, यानी कि जो सिनेमेटोग्राफी डेवलप हुई वो उनकी वजह से हुई, मैंने ये बताया आपको। ठीक है, उन्होंने ये चीजें डेवलप की, जो भी अभी आप सब चीजें इफेक्ट्स जो देख रहे हो वो उस वक्त में उन्होंने डेवलप किया। उसके बाद धीरे धीरे हमारे इंडियंस इस चीज में इन्वॉल्व हुए, जैसे कि दादा साहब फाल्के हैं, और उसके बाद अभी जो और आगे डायरेक्टर्स मैं आपको बताऊंगी वो सब इन्वॉल्व हुए। सो बेसिकली जो हमारा लिटरेचर जो कहता है, इंडियन सिनेमा का जो लिटरेचर है, उसमें कहा गया है कि
1896 से लेकर 1930 तक जो मूवीज होती थी वो साइलेंट इरा कहा जाता था. उसमें जो फिल्म्स बनती थी वो साइलेंट होती थी, मतलब उसमें डायलॉग्स जो होते थे वो नरेशन जो होती थी वो नीचे लिखी जाती थी, सब्सक्राइब किया सब्सक्रिप्शन की तो उसमें आती थी, ट्रांसक्रिप्शन जो आती है नीचे वैसे. तो बेसिकली मैं आपको जो समझा रही हूँ वो ये है कि आप ये मत सोचो कि इंडियन सिनेमा और इंटरनेशनल सिनेमा को एड ऑन करके मैं समझा रही हूँ, ठीक है. हमारे जो यहाँ पे सबसे पहले जो भी इंडियन कल्चर स्टार्ट हुआ है वो ब्रिटिश इरा से ही स्टार्ट हुआ है, ब्रिटिशर्स ने ही सब चीजें स्टार्ट की है, उसके बाद इंडियन कल्चर्स आए हैं, इंडियन लोगों ने उसको अडेप्ट किया है, ठीक है. तो अभी हम उसके बाद साइलेंट इरा जब खत्म होता है तो उसके बाद कौन सा इरा शुरू होता है, द टॉकीज का इरा शुरू होता है. द टॉकीज यानी कि एक ऐसा इरा जिसमें फिल्मों में डायलॉग्स शुरू हो गए, डायलॉग्स बोलने शुरू किए गए, डायलॉग्स लिखने शुरू किए गए, और इवन डायलॉग राइटर्स को जो है इन्वेंट किया गया जो कि इन फिल्मों के लिए डायलॉग्स को लिखते थे स्पेशली. अभी जैसे डायलॉग राइटर्स होते हैं वैसे उस जमाने में, यानी कि टॉकीज जो साइलेंट इरा के बाद आया आपका इरा फिल्म इंडस्ट्री में या सिनेमा में, उसको द टॉकीज कहा जाता है. तो आप लिख लो प्लीज, लिख रहे हो, अच्छा. तो फर्स्ट टॉकीज टू बी स्क्रीन्ड इन इंडिया इन 1929 एंड द फर्स्ट इंडियन टॉकी आलम आरा जो मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था वॉज मेड इन 1931 डायरेक्टेड बाय अर्देशिन ईरानी. एंड वो भी फिल्म जो थी वो प्ले पे बेस्ड थी और बट फर्स्ट इंडियन टॉकी फिल्म आलम आरा वॉज रिलीज इन 1931 एंड इट वॉज डायरेक्टेड बाय अर्द्राशन, इट वॉज डायरेक्टेड बाय अर्देशिन ईरानी and it was based on play of Joseph David. मतलब एक character है Joseph David, उनके ऊपर based film थी, उनके character पे based film थी, जो कि एक play पे based था. और ज्यादातर फिल्मों में उस वक्त पे play में मतलब plays को ही adopt किया जाता था जितना भी होता था. और सबसे बड़ी बात क्या होती थी ना, जब ये फिल्म आई आलम आरा उस वक्त में आप कह लो कि फिल्म इंडस्ट्री के लिए एक टर्निंग पॉइंट था, क्योंकि साइलेंट इरा से हम लोग कहाँ आए, डायलॉग डिलीवरी पे आए. तो जब ये फिल्म आलम आरा रिलीज हुई तो मुंबई में काफी ग्रैंड प्रीमियर हुआ, काफी ग्रैंड तरीके से इसको, जैसे अभी बड़ी बड़ी मूवीज का प्रीमियर होता है उस वक्त पे भी उसका बहुत कह सकते हो कि बहुत ही ऑप्टिमम वे में, जो बड़ा ही बहुत ही ग्रैंड वे में उसका प्रीमियर किया गया. और वहां के जो गवर्नर थे उस वक्त मुंबई के, उनको वहां पे इनवाइट किया गया स्पेशली इस चीज के लिए कि आप आइए और हमारे यहाँ पे जो फर्स्ट आलम आरा फिल्म जो कि आप कह सकते हो कि विद डायलॉग्स है उसको देखिए. तो ये एक तरह से टर्निंग पॉइंट था इनटू द सिनेमा. सबसे बड़ी जो इंटरेस्टिंग चीज है वो ये है कि इस फिल्म में 7 गाने थे, यानी कि इससे पहले जो फिल्में होती थी उनमें उस तरह के गाने नहीं होते थे, लेकिन इस फिल्म में 7 गाने जो है वो दिखाए गए थे. और इसके बाद एक मूवी ऐसी आई थी जिसका नाम था इंडिका सभा, इंडिका सभा जो कि 70 गानों के साथ रिलीज हुई थी, मतलब उसमें सिर्फ गाने थे 70 गाने. क्या नाम बताया मैम, मूवी कितने टाइम की थी जो 70 गाने थे मैम? आई एन इंडिका हाँ जी, कौन बोल रहा है मैम? मूवी कितने टाइम की थी जो 70 गाने उसमें हो गए थे? पहले नाम बताओ कौन बोल रहा है, मुझे दिख नहीं रहा. अंकित मैम बोलो. अंकित एक मिनट. अंकित मैम 70 गाने उस मूवी में थे तो फिल्म कितने टाइम की थी? मूवी तो उतनी टाइम की होती है जितने की होती है, 2.5 घंटे की या 2 घंटे की. गाने कितने तो होते सिर्फ हैं? गाना ही था क्या उसमें? तब गाने ऐसे, हाँ तब गाने ऐसे नहीं बनते थे ना जैसे अभी जमाने में बन रहे हैं कि 3-3 मिनट का 4-4 मिनट का गाना बन रहा है. तब छोटे गाने होते थे क्योंकि उस टाइम पे टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस नहीं थी, लोग शूट करने के लिए बाहर विदेशों में नहीं जाते थे, इधर ही शूट होता था इंडिया में ही. तो वो गानों को समअप करके एक फिल्म ऐसी थी जिसमें 70 गाने थे. इसका नाम लिख लेना इंडिका सभा, INDICA सभा, SABHA सभा. इंडिका सो बेसिकली
उसके बाद कह सकते हो कि 1947 से लेकर 1987 तक हमारे यहाँ पे जो फिल्म इंडस्ट्री मतलब सिनेमा जो था उसमें 5074 फिल्म मतलब 5074 फिल्म्स जो है वो रिलीज हुई थी। अब उसमें से जो फेमस होती थी वो बहुत इक्का दुक्का होती थी क्योंकि उस वक्त ऑडियंस नहीं होती थी, उस वक्त जो फिल्म डायरेक्टर्स को उनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो है फेस करनी पड़ती थी। कह सकते हो कि लोगों को शायद इतनी समझ नहीं थी कि सिनेमा क्या चीज है जिसे देखा जाए या फिर एंटरटेनमेंट का एक सोर्स है, वो इसलिए उसको शायद देखना भी नहीं चाहते थे। उनके लिए ये सब चीजें जो कह सकते हो कि अवेयरनेस जो है लोगों में वो बहुत बाद में आई, इसलिए कुछ फिल्में आती थी जो हिट हो जाती थी लेकिन बाकी ऐसे ही जैसे अभी कई फ्लॉप्स हो जाती है, लोगों को पता भी नहीं होता कब फिल्म आई कब चली गई, ऐसे ही कई फिल्में आती थी और ऐसे ही कई फिल्में चली जाती थी। लेकिन ये हमारा एक इंडियन सिनेमा का जो है स्टार्ट था। अब इसके आगे जो है मैं आपको स्टूडियो सिस्टम एंड आगे की चीजें बताऊंगी क्योंकि अभी शायद 11 बजे ये खत्म हो जाएगा क्लास, 2 मिनट बचे हैं। तो अभी इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन लिख लो ताकि आप लोग असाइनमेंट में मुझे ये वाला करके दे सको, 2 मिनट्स बचे हैं बस। बोलू Shall I start? Yes, no, no, yes. Any response, guys, please? Yes, ma'am. आप लोग वैसे कम बोलते हो या फिर सिर्फ मेरी क्लास में ऐसे बोलते हो कम? हाँ? हम लोग नहीं बोलते हैं तो हम लोग बहुत बोलते हैं। क्लास में अदरवाइज बहुत बोलते हो। Yes, ma'am. ma'am, सबसे ज़्यादा notorious class हमारी है। Question लिख लो, please. Trace the development of Indian cinema from Dada Saab Phalke to the early talkies. What were the main trends? Trace the development of Indian cinema from Dada Saab Phalke to the early talkies.